Hi guys, I'm Smriti. Welcome back to my channel. So I was planning this video from so long time, but because of some circumstances, मैं ये video नहीं बना पा रही थी. So today is the final day जब मैं ये video बना रही हूँ. And in today's video, I'm talking about some fashion trends which carry forward from 2020 to 2021. मैंने इस video को 3 to 4 parts में divide किया है. First part में जहाँ पे मैं clothing की बात करूँगी कि कौन से clothing items बहुत trend में हैं. कौन सा आउटफिट बहुत ट्रेंड में है. सेकंड मैं ज्वेलरी की बात करूँगी. थर्ड मैं बैग की बात करूँगी, बैग एंड शूज़ की बात करूँगी. एंड द लास्ट वन जहाँ मैं कलर्स की बात करूँगी, कौन सा कलर 2021 और 2020 में बहुत ही ट्रेंड में था. सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम स्टार्ट विथ जीन्स. जीन्स में आपका बैगी जीन्स, फ्लेयर जीन्स या मॉम फिटिंग जीन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में. मतलब पहले ये 2020 में भी ट्रेंड में था, बट उस टाइम हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे. अभी हम थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. जो स्किनी फिटिंग जीन्स होती थी उनका ट्रेंड थोड़ा कम हो रहा है इस टाइम. अगर आप 2021 में कुछ जीन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गो फॉर बैगी या फिर मॉम फिटिंग जीन्स या फ्लेयर जीन्स. इसमें क्या होता है कि आपका सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपका टमी एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसमें छिप जाता है. एक तो आपको हाई वेस्टेड लेना है तो गो फॉर दैट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो ट्रेंड में है वो पफी स्लीव्स है. अगर आपने देखा होगा या फिर आप कभी शॉपिंग पे गए होंगे तो अगर आप टॉप लेना चाहते हैं, ब्लाउज लेना चाहते हैं या फिर क्रॉप टॉप या कुछ भी ड्रेसेस भी, तो उनकी जो स्लीव्स हैं वो पफी स्लीव्स आ रही हैं. तो आज 2021 में और ये उसके पहले भी पफी स्लीव बहुत ज़्यादा ट्रेंड में. और इसका जो नेक होता है वो स्वीट हार्ट नेक कहते हैं शायद उसको, वो नेक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में. तो ये इसमें अगर आपके जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आर्म है तो ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि वो आपके जो एक्स्ट्रा फैट है उसको दिखाएगा ही नहीं, आपके आर्म्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे और यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा फैट भी कवर हो जाता है. तो ये ट्रेंड मुझे बहुत पसंद आया. और नेक्स्ट ट्रेंड हमारा जो है वो क्रॉप टॉप का है. आपने देखा होगा यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स या फिर किसी भी सेलिब्रिटीज़ को अगर उन स्टाइल करना तो वो क्रॉप टॉप स्टाइल करें, भले ही उसके ऊपर वो जैकेट वेयर कर रहे हो या फिर कोट वेयर कर रहे हो. बट जो ट्रेंड में चल रहा है वो इस टाइम लॉन्ग टॉप ना चल के जो भी ब्लाउज़ या फिर वो सारे शॉर्ट में चल रहे हैं, मतलब आपका क्रॉप टॉप चल रहा है इस टाइम. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटिन की. तो आपने देखा होगा कि सैटिन की ड्रेसेस, ब्लाउज, स्कर्ट और टॉप बहुत ही ट्रेंड में है. सबसे अच्छी बात इसमें यह होती है कि आप इसको सिंपली स्टाइल करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा. और ये आपका एक फॉर्मल वेयर भी, में आप इसको चाहे तो एज अ फॉर्मल वेयर भी स्टाइल कर सकते हैं. अगर आप इसको चाहें तो एक पार्टी वेयर लुक भी दे सकते हैं. सो सैटिन आपका बहुत ही ट्रेंड में है और ये आगे इवन सैटिन की तो साड़ियाँ भी अब तो ट्रेंड में आ गई हैं. तो ये नेक्स्ट हमारा क्या होता है, स्कर्ट. स्कर्ट में आपने देखा होगा कि इस टाइम जो हम ओल्ड स्कूल टाइम, मतलब स्कूल टाइम हम जो स्कर्ट्स पहनते थे लेयर्ड वाली, फ्लेयर्ड वाली, वही इस टाइम ट्रेंड में है. और उसके साथ साथ लेदर स्कर्ट हो गई या फिर डेनिम स्कर्ट हो गई, ये भी हैं फैशन में. तो आप अगर स्कर्ट, पहले हमारी लॉन्ग स्कर्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, बट दीज डेज लॉन्ग स्कर्ट की जगह मिनी स्कर्ट बहुत ट्रेंड में है. तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनी स्कर्ट ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बैग की बात करते हैं तो बैगेट बैग बहुत ही ट्रेंड में है. बैगेट बैग आपने देखा होगा, मैंने भी रिसेंटली ही इन्वेस्ट किया क्योंकि 2020 तो कहीं जाना नहीं था, तो अभी ही मैंने लिया. और इसे कैरी करना बहुत ही अच्छा होता है, छोटा होता है, स्लीक होता है, बहुत अच्छा भी लगता है कैरी करने में, एक अच्छा लुक भी देता है आपको. तो ये भी बहुत ट्रेंड में है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रेंड की तो हम स्नीकर्स की बात करते हैं. यस, अगर हम स्नीकर्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वाइट स्नीकर्स बहुत ट्रेंड में, और ये अभी नहीं है, आगे भी रहने वाले हैं क्योंकि वो आपके एक लुक को इन्हेंस करते हैं, बहुत ही अच्छे लगता है. अगर आप एक सिंपल सा लुक भी कैरी करना चाहते हैं तो वाइट स्नीकर और आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिंत्रा पे मिल भी जाएंगे, कम प्राइस पे. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ज्वेलरी में तो आई एम नॉट अ लवर ऑफ ज्वेलरी, मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज नहीं पसंद है. बट नाउडेज जो ये लेयर्ड ज्वेलरी चल रही है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. जो ये नेकलेसेस चलते हैं लेयर्ड वाले या गोल्ड में या फिर सिल्वर में,
ये वाकई बहुत अच्छा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लुक आपका। सो फाइनल हमारा क्या आता है, कलर्स। हम कुछ अभी भी बहुत सारे कलर ट्रेंड्स में, पर ऐसे कुछ कलर्स, एक ही दो कलर ऐसे हैं जो लास्ट ईयर भी ट्रेंड में थे, जब हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे और हम उन्हें कैरी नहीं कर पा रहे थे, बट 2021 में हम बाहर जा सकते हैं और हम उन्हें कैरी भी कर सकते हैं। तो वो वही कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 2020 to 2021, जो कि उस साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है और आप इस साल भी उसको कैरी कर सकते हैं। सो कुछ कलर्स ऐसे हैं। अगर हम कलर्स की बात करें तो कलर्स में नियॉन और लेवेंडर कलर बहुत ही फैशन में है, पहले भी था 2020 में और अभी भी है। सो कलर्स में और भी हैं, स्प्रिंग कलर्स बहुत सारे आए हुए हैं, बट ये कलर 2020 में भी थे और अभी भी ट्रेंड में उतने ही स्पीड से चले। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो, कि आपको ऐसा लगा हो कि हाँ इसमें से कुछ ट्रेंड मैं फॉलो कर सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक भी कर दें, और बहुत अच्छा लग गया हो तो शेयर भी कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।